हेलो दोस्तों, आपका ज्योग्राफी विद अनिल में स्वागत है। सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस के 50 एमसीक्यूशन लेकर आई हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अतः अंत तक वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। नंबर एक, मुद्रा प्रचलन से, मनोविज्ञान से, ध्वनि से, जनसंख्या से। तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन नंबर ए विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन के कारण ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर एक अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी अप्रगामी, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय। तो जो ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। किस तरह होती है? अनुदैर्ध्य तरह की इनकी प्रकृति होती है। यदि किसी क्वेश्चन नंबर चार, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो, अचानक मतलब वृद्धि होती है, तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी घटती बढ़ती रहती है। तो यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा अचानक वृद्धि हो जाए तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी घटती है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पन, ऑप्शन नंबर बी गलन, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जब हम ठोस से द्रव में पदार्थ बदल जाता है तो इस परिवर्तन को ऑप्शन नंबर बी गलन कहते हैं। क्या होगा जब ठोस से द्रव में बदल जाएगा? तो गलन हो जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संवहन, ऑप्शन नंबर बी विकिरण, ऑप्शन नंबर सी चालन, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण ऑप्शन नंबर ए संवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालक मतलब ऊष्मा सबसे ज्यादा किससे पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए भाप से, ऑप्शन नंबर बी गर्म हवा से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य की किरणें से, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो सबसे ज्यादा ज्वाला या ऊष्मा पैदा होती है ऑप्शन नंबर ए भाप से होती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता? ऑप्शन नंबर ए चांदी होती है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। जब बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होता है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? घट जाएगा। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 450 वाट का, ऑप्शन नंबर बी 600 वाट का, ऑप्शन नंबर सी 734 वाट का, ऑप्शन नंबर डी 746 वाट का। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 746, ऑप्शन नंबर डी 746 वाट का होता है। एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति जिसे कहते हैं हिंदी में। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? मतलब जो लोहे की सुई होती है वो पानी पर तैरती है। ऑप्शन नंबर ए सांद्रता के कारण, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लोहे से बनी सुई जो होती है वो पानी पर तैरती है, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव के कारण। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस, ऑप्शन नंबर
दो बी जूल, ऑप्शन नंबर सी डेवी, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी डेवी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बर्फ के टुकड़ों को आपस दो टुकड़ों को ऑप्शन नंबर सी डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला देते हैं। ये ऐसा करने वाले सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक थे? डेवी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी आयतन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी बल। ऑप्शन नंबर बी आयतन जो होती है वो सदिश राशि नहीं है, क्योंकि सदिश राशि के लिए गति के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम के कारण, ऑप्शन नंबर तीन तृतीय नियम के कारण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी नियम के कारण। तो जल में तैरना न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, ऑप्शन नंबर सी तीसरे नियम के कारण संभव होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने के क्या कारण हैं? ऑप्शन नंबर ए दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी घनत्व के कारण, ऑप्शन नंबर सी ताप के कारण, ऑप्शन नंबर डी वेग के कारण। तो वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो घनत्व के कारण तैरते हैं, ऑप्शन नंबर बी घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/5। तो ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग जो है वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन नंबर ए गीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी रबड़, ऑप्शन नंबर डी स्टील। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है ऑप्शन नंबर डी स्टील है, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। रॉकेट के किस सिद्धांत पर रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो होता है ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो द्रव्यमान होता है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी कोणीय वेग। तो द्रव्यमान जो होता है वो सदिश राशि नहीं है, क्योंकि सदिश राशि के लिए वेग और गति दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश में केवल केवल गति की आवश्यकता होती है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर ए करंट, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी पावर, ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करंट, ऑप्शन नंबर ए जिसे करंट धारा को मापा जाता है। एसआई पद्धति के लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वॉट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टर, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो एसआई पद्धति में लेंस की इकाई को हम नापते हैं ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर द्वारा लेंस की शक्ति को हम मापते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है, किसका समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी अधिवर्ष, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, न कि समय का, जबकि अधिवर्ष चंद्रमा ये समय का मात्रक है। पारसेक इकाई है ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान की, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल की, ऑप्शन नंबर सी समय की, ऑप्शन नंबर डी दूरी की। तो पारसेक जो है वो ऑप्शन नंबर डी दूरी की इकाई है। कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एलपीजी गैस का, ऑप्शन नंबर बी बायोगैस का, ऑप्शन नंबर सी सीएनजी गैस का, ऑप्शन नंबर डी कोयला का। तो खाना पकाने में ऑप्शन नंबर सी सीएनजी गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है, सीएनजी गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी ताप ऊर्जा में। जो सौर सेल होती हैं वो सौर सेल होती हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टील का, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक का, ऑप्शन नंबर डी सीसा का। तो सौर सेल बनाने के लिए हम ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन धातु एक अर्धचालक धातु है। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला को, ऑप्शन नंबर बी परमाणु को, ऑप्शन नंबर सी जल को, ऑप्शन नंबर डी सूर्य को। ऊर्जा के सभी रूपों में ऑप्शन नंबर डी सूर्य को स्रोत का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, यूरेनियम ए राइट आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ऊर्जा किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी फेराडे ने, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ऑप्शन नंबर सी फेराडे ने की थी। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए दृष्ट धारा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए दृष्ट धारा सही आंसर है इसका। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी नीला, सॉरी ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी नीला। अगर आकाश पे अत्यधिक अगर कोई व्यक्ति अगर आकाश में वायुयान में सफर कर रहा है और वो आकाश को देखेगा तब उसको आकाश काले रंग में दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसे आकाश किस रंग में दिखाई देगा? काले रंग में दिखाई देगा। मानव नेत्र में होता है ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। मानव नेत्र में ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए बड़ा, ऑप्शन नंबर बी छोटा, ऑप्शन नंबर सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी दुई फोकस लेंस, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनमें अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रतिरोधकता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी सॉरी इसमें दो साथ में ही एक ही ऑप्शन हो गया है सी। तो इसका राइट आंसर ए है, प्रतिरोधकता का मात्रा ओम मीटर होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, विभवांतर विद्युत का, शक्ति का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का है। सिनेमा के पर्दे में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। तो सिनेमे के पर्दे पर वा दोनों आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर जो होता है किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। राइट आंसर है आंसर नंबर बी सॉरी। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी आभासी या उल्टा। तो समान नेत्र की रेटिना पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा होता है। हीरे का प्रदानांक होता है, ऑप्शन नंबर ए 1.77, ऑप्शन नंबर बी 1.47, ऑप्शन नंबर सी 1.44, ऑप्शन नंबर डी 2.42। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हीरे का प्रदान कितना होता है 2.42 होता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, नंबर ए फोकस, नंबर बी ध्रुव, नंबर सी द्वारक, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दर्पण की चौड़ाई को हम दर्पण कहा जाता है किसके कारण कहते हैं, द्वारक के कारण, ऑप्शन नंबर सी द्वारक के कारण कहा जाता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपरदूरांक, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी गहराई में कम दिखाई देती है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी अपरदूरांक के कारण हमें पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी कांच। तो हम लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते किसी मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी में। आँख में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी पुतली, ऑप्शन नंबर सी लेंस, ऑप्शन नंबर डी पश्चाभि पेशियां। तो ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका राइट आंसर। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर ए समतल उत्तल अवतल, ऑप्शन नंबर बी समतल अवतल, ऑप्शन नंबर सी उत्तल समतल, ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल। तो ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर,
कि समतल और उत्तल दर्पण वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण समतल और उत्तल होता है। रेडियो का सम सरल स्टेशन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए अनुनाद, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। तो रेडियो को जो सम सरल स्टेशन होता है वो ऑप्शन नंबर ए अनुनाद के कारण होता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।